हेलो गाइस, मैं साधना। मेरे चैनल साधना आज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पारिजात फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे कि ये प्लांट कैसा रहता है और इसकी रखरखाव कैसे करें। ये प्लांट्स के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इसमें देखिए, ऑरेंज कलर का डंडी रहती है और वाइट कलर का बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला इसका फ्लावर होता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है, कुछ कहने ही नहीं। दोस्तों, ये पूरे माहौल को महका देती है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि रात में ये फूल गिरते हैं और सुबह के टाइम भी इसमें खुशबू बनी रहती है। ये फ्लावर्स रात में ही गिर जाते हैं और दिन में आप देखेंगे तो नीचे ज़मीन में पड़े हुए मिलेंगे। ये प्लांट्स काफ़ी बड़ा होता है और ये प्लांट्स की हाइट करीब 10-12 फीट करीब रहती है, तभी फ्लावरिंग होना चालू होता है। और इसमें सीड्स सूख जाए हैं, तभी आप इन सीड्सों को निकालें और नए प्लांट्स लगा सकते हैं। इसकी कटिंग से भी ये प्लांट्स नया उगाया जा सकता है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जो कटिंग है, हमने आगे से पेड़ कटवाया था तो 2-3 कटिंग निकाली थी। 15 दिन करीब हमने पानी में भिगोया, जब तक नीचे रूट दिखने ना लगें तब तक आप इस कटिंग को नहीं लगाएं। आप गमले में भी कटिंग को लगा सकते हैं अगर आपको बोनसाई बनाना है, नहीं तो आप ज़मीन में लगाएं, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है। नीचे होल कर लें एक पेन या पेंसिल से या स्क्रू ड्राइवर से, फिर आप इस डंडी को आराम से लगा दीजिए, चारों तरफ से मिट्टी से दबा दीजिए, जिससे कि ये कटिंग हिले नहीं बारिश या आंधी तूफान में, और कटिंग अच्छे से चल जाएगी। बस यही तरीका है इसको लगाने का। आप सीड्स से भी लगा सकते हैं, सीड्स ब्राउन कलर के हो जाएं उसके बाद ही आप निकालें, तब तक नहीं निकालें। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से पत्ते भी दिख रहे होंगे और ये सीड्स में चारों तरफ वाइट वाइट कलर की रूट्स भी उगनी चालू हो गई हैं, तभी हम इस कटिंग को लगाने के लिए लाए हैं। हमने 3 कटिंग निकाली थी और तीनों ही हमने लगा दी हैं। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं, हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये कटिंग को लगाया है, ज़्यादा पास पास नहीं लगाएं क्योंकि ये प्लांट बड़ा उगने वाला है। इसके लिए ये देख रहे हैं, एक कटिंग हमने जो लगाई है चारों तरफ से हमने मिट्टी से कवर कर दिया है, इसी तरीके से दूसरी को भी कर दिया है और तीसरी को भी हमने ऐसे ही कर दिया है। ये हमने कम से कम 5 फीट की दूरी पर इन कटिंग्स को लगाया है। अगर जब कटिंग अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तो आप इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसमें जो फ्लावर आते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत और खुशबू में भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके लिए कहानी प्रचलित है कि सूर्य देव को पारिजात नाम की राजकुमारी बहुत चाहती थी, परंतु सूरज ने उनको इनकार कर दिया, तो उनके आंसू के रूप में ये फ्लावर्स सूरज निकलने से पहले ही गिर जाते हैं। ये कहानी प्रचलित है। और एक कृष्ण जी की कहानी भी प्रचलित है कि जब नारद जी पारिजात की माला कृष्ण जी के लिए स्वर्ग से लेके आए तो रुक्मणी को ये माला बहुत पसंद आई, तो रुक्मणी ने कहा मेरे को ये बहुत सुंदर लगी, तो कृष्ण जी ने माला उनको पहना दी। सतमामा से देखा नहीं गया, उन्होंने कहा मुझे ये माला होना और पारिजात का पेड़ ही मुझे होना है। तो पारिजात का पेड़ लाया गया स्वर्ग से, परंतु कृष्ण जी ने ऐसी चाल चली कि फूल तो रुक्मणी के आंगन में गिरते थे और पेड़ लग रहा था सतमामा के आंगन में। ये बहुत अच्छी कहानी है। जो आप लोग कृष्ण जी से संबंधित जानते होंगे तो सुनी भी होगी। इसकी आप छोटे रूप में गमले में भी बोनसाई के रूप में रख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है। स्वर्ग मंथन के समय ये पेड़ को निकाला गया था और स्वर्ग ले जाया गया। इंद्रदेव के पास ये रहता था और बस ही इसके नीचे अपनी थकान दूर करती थी। राम मंदिर की पुनर्स्थापना के समय में मोदी जी ने यही प्लांट को लगाया
क्योंकि इससे बहुत पुरानी कथा जुड़ी है। जब 14 वर्ष के वनवास के समय सीता जी इसी अपनी श्रृंगार करती थी, माला बनाती थी और बालों में गजरा बनाती थी और राम जी के ऊपर चढ़ाती थी। हर श्रृंगार के लिए इसका नाम हार श्रृंगार पड़ा। इसको शिवली भी कहते हैं, शेफाली भी कहते हैं और हार श्रृंगार इसका नाम फेमस है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।